जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। दोस्तों, अगर आपका भी बीएसएफ ट्रीटमेंट का फिजिकल है और आपको भी डर लग रहा है तो दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक से आप दोस्तों यहां पर अपने बीएसएफ ट्रीटमेंट का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट आराम से पास कर लेंगे। चाहे आप किसी भी दोस्तों आपका कोई सा भी ट्रेड टेस्ट हो, चाहे बार्बर का हो, चाहे वाटर कैरियर का हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे दोस्तों आपका यहाँ पर टेलर का हो, स्वीपर का हो, किसी का भी दोस्तों हो, आप आसानी से दोस्तों एक ट्रिक से सब कुछ पास कर लेंगे। तो क्या है वो ट्रिक, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो क्लियर किया हुआ है और मेरा दोस्तों यहाँ पर रिटर्न एग्जाम भी हो चुका है। तो दोस्तों, आप उस बंदे से समझ रहे हैं जो दोस्तों पहले से इस लाइन में है, तो टेंशन लेके आपको जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप हमारे द्वारा स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे आप एग्जाम को पास करें, क्योंकि आपका दोस्तों यहाँ पर फिजिकल और ट्रेड टेस्ट तो आसानी से पास हो ही जाएगा। बात आती है दोस्तों रिटर्न एग्जाम को पास करने की, तो आप रिटर्न एग्जाम को दोस्तों आसानी से पास कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको वही काम करना है जो हम बोलेंगे। आपको दोस्तों वही क्वेश्चन पढ़ने जो हमारे द्वारा दोस्तों बनाए गए। आप इस नंबर पर अभी मैसेज कीजिए दोस्तों 6396453592। इस नंबर पर हमें अभी व्हाट्सअप करें और पीडीएफ आप सभी को जो हमारे द्वारा बनाया गया है वो दोस्तों मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको 500 रुपये नहीं पे करने, मात्र दोस्तों 99 रुपये यानी 99 रुपये आपको पेमेंट करना है। और इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी पीडीएफ से दोस्तों यहाँ पर हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और खुद मेरा भी हुआ है। तो आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके माँ बाप का जो सपना है वो दोस्तों पूरा होगा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। दोस्तों 90+ का टारगेट है, इस बार वर्दी आपकी होगी अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। बस दोस्तों मेहनत आपकी होगी और दोस्तों दिशा हम आपको दिखाएंगे करना क्या होगा। बस मेहनत करिए दोस्तों, और रियलिटी में अगर आपको जॉब ना लगे तो हमसे बोलना कि भाई आपने हमें पीडीएफ दिया था और मेरी जॉब नहीं लगी। बस दोस्तों आप यहाँ पर फिजिकल और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप अपना ट्रेड टेस्ट पास कर लीजिए, उसके बाद रिटर्न एग्जाम की गारंटी हम ले लेते हैं। बस इस नंबर पर आप हमें अभी मैसेज कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो दोस्तों यहाँ पर हमारे अंदर से आया है। ये बीएसएफ कुकिंग का दोस्तों वीडियो है जहाँ पर ट्रेड टेस्ट चल रहा है बीएसएफ ट्रेडमेंट वालों का। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का आपको नीचे दिखाई दे रहा है जो दोस्तों रोटियाँ बेल रहा है। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, ये लड़का जो है दोस्तों यहाँ रोटियाँ बेल रहा है, यहाँ पर आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। और ये दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोस्तों प्याज लेकर आया है एक फौजी, और इस प्याज को दोस्तों लड़कों से छिलवाएगा। और नीचे देखिए दोस्तों, ये जो लड़का है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों रोटियों को बेल रहा है, यानी दोस्तों उसकी जो शेप है उसको गोल आकार में बेल रहा है। अगर आपकी गोल आकार नहीं आएगी तो दोस्तों आपको बाहर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए प्याज आ गया है, और इस प्याज को दोस्तों देखिए, इस प्याज को यहाँ पर इस लड़के से छिलवाया जाएगा। ये देखिए, ये लड़का आ चुका है यहाँ पर आप देखिए, और इस लड़के से दोस्तों, और पीछे देखिए कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इस लड़के से प्याज को छिलवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ यहाँ पर जो है ये काम करवाया जा रहा है, ठीक है। आपने अभी देखा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है ये काम इनसे कराया जा रहा है। आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से ये सब काम भी कर रहे हैं। आप भी दोस्तों इतनी आसानी से ये काम कर सकते हैं अगर आप अच्छे से दोस्तों यहाँ लगे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से रोटियाँ बेल रहा है, आप देख सकते हैं फिर से। तो ये दोस्तों कुछ, और ये प्याज आ गई है यहाँ पर देखिए, और प्याज को लड़कों से छिलवाया जाएगा। तो ये सब कुछ आपसे करवा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि भरनी आपको एक ट्रिक से कैसे दोस्तों अपना सब कुछ पास कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊँ, खुद मैंने भी दोस्तों इस चीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप अपना फिजिकल में जाना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आपकी आती है रनिंग। अगर आप दोस्तों रनिंग में अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो भाई आपका आराम से रनिंग निकल जाएगा। रनिंग 5 किलोमीटर का है, ठीक है भाई। रनिंग 5 किलोमीटर का, इसमें आपको 24 मिनट का टाइम मिल रहा है, ठीक है भाई। रनिंग 5 किलोमीटर का है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप रनिंग को क्वालिफाई कर लीजिए भाई 24 मिनट में, जो आसानी से आप कर लेंगे, मुझे पता है। बात आ रही है दोस्तों ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। जो आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, टीटी हो रहा है, वो दोस्तों कैसे हो रहा है ये आपको नहीं पता है। मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों कुकिंग में कैसे हो रहा है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत से लोग बोलेंगे सर वो बताइए यहाँ पर स्वीपर का जन कैसे हो रहा है, जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं उनका कैसे होगा। तो भाई देखिए, झाड़ू आपसे पकड़वाया जाएगा, और झाड़ू किस एंगल से आप लगा रहे हैं वो एंगल उस वो चेक करेंगे, सही से आप झाड़ू लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं उस चीज़ से वो चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर जाते हैं वहाँ पर तो भाई आपका जो है वहाँ पर 80% तो चीज़ गलत वैसे होंगे, क्योंकि आपके हाथ कांपेंगे, आप गलत करेंगे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उस बंदे को फील कर रहे हैं जिस पर कुछ आता ही नहीं है, जिसे दोस्तों कुछ पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में।
वो उसको बंदे को फील कर रहा है। अब भाई आपने कुकिंग में अप्लाई किया है तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपसे रोटियां ही नहीं बन रही हैं तो भाई आप तो फेल होंगे इस चीज़ में। और आपने बार बार का फिलअप किया है तो आपसे कटिंग नहीं हो रही है या बालों में अच्छे से डाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं आप, तो भाई आप तो फेल होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ में दोस्तों टैलेंट हासिल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जब आपका यहाँ पर वो कराते हैं, यहाँ पर दोस्तों जब भी आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह वो कराते हैं, तो ट्रेनिंग में दोस्तों वो आपको सब चीज़ सिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कराते हैं कि भाई बंदे पे कुछ आता है या नहीं आता है। तो आप पे दोस्तों नहीं आता है तो वो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अब आप कुकिंग में फिलअप किए हो तो आपको कुकिंग के बारे में दोस्तों कुकिंग का सीवी नहीं पता है, तो भाई आप कैसे पास कर लोगे। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है तो रोटियाँ बनाना सीखें, सब्जी बनाना सीखें, प्याज को छीलना सीखें, सब्जियों को काटना सीखें, ये सब चीज़ आप सीख लें। अब आपने बार्बर में फिलअप किया तो किसी ऐसी दोस्तों बार्बर की दुकान पर जाइए जहाँ पर आपको ये काम मिल सके। एक दो दिन दोस्तों कैंची चलाना सीख लीजिए और एक दो दिन कटिंग करना सीख लीजिए, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। उसी से थोड़ा नॉलेज ले लीजिए कि क्या कटिंग है, कैसे कैंची पकड़ते हैं, क्योंकि तो कैंची पकड़ने का भी वो तरीका वहाँ देखेंगे। और आप वाटर कैरियर की बात करें तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें टेलर में, वो सिलाई देखेंगे, सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है या नहीं आ रही है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर आपका सारा कुछ चेक करते हैं। तो दोस्तों मेरा यही आपसे बस एक अनुरोध होगा कि भाई आप इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर कर ले भाई। अगर आप घर से ऐसे ही चले जाते हैं मुंह उठा के, तो वहाँ आप तो फेल होने ही हैं। बस मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने दोस्तों इस चीज़ को पास भी कर लिया और मुझसे थैंक यू बोल रहे हैं कि सर आपकी वजह से हो गया है। मैं उनको दोस्तों बिल्कुल सही नॉलेज दे रहा हूँ भाई, मैं फालतू की चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी लग रहा है कि भाई आपसे नहीं होगा, तो बस अपने मन में ये रख के चले कि हाँ मैं करूँगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। आपको अपने अपने आप को सबसे बेहतर समझना है। जब तक आप अपने आप को सबसे बेहतर नहीं समझेंगे, तब तक आप दोस्तों वहाँ पर बिल्कुल 100% अपना नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, 100% देना है तो अपने आप को भी 100% ही समझना होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी से बोल रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, जो भी चीज़ वो करवाएं आराम से करिए बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों हबड़ हबड़ ऐसे नहीं करना है कि वो कर दिया, प्याज प्याज उल्टा सीधा काट दिया, झाड़ू उल्टी सीधी लगा दी, ऐसा नहीं करना है। जो भी करे आराम से करो, चाहे कम करे, लेकिन आराम से करो, बिल्कुल प्यार के साथ करो, आराम से आपका हो जाएगा। उन्हें पता होता है कि भाई बच्चा नया है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। फौजी लोग होते हैं, आप में से ही होते हैं भाई, वो आप में से ही बनते हैं वो भी। उन्हें पता होता है कि भाई किसी बच्चे को हम फालतू में फेल नहीं करेंगे, किसी का भविष्य हम फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे, उन्हें भी सब कुछ पता होता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल अपने आप को तैयार करके जाएं घर पे, अगर आप हैं तो इस चीज़ को टाइम दें, अगर आपके पास टाइम है बचा हुआ है तो टाइम बिल्कुल दें भाई, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।